हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ नायका का न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट। दिस इज़ नायका बीबी क्रीम। और मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे परचेज़ करना चाहिए या नहीं परचेज़ करना चाहिए। और अगर अभी तक आपने परचेज़ नहीं करी है इसे और आप परचेज़ करने वाले हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें। और उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मेरी अपकमिंग वीडियो के लिए पास में सब्सक्रिप्शन के पास जो बेल बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलें। उससे आपको मेरे चैनल पर आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नायका ने क्या क्या कहा है इस बीबी क्रीम के लिए, उसके बाद मैं अपना पर्सनल रिव्यू आपसे शेयर करूँगी। दिस इज़ नायका स्किन जीनियस बीबी ऑल इन वन क्रीम। SPF 30 इसमें है और 30 ग्राम प्रोडक्ट है। और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस है 349। हाँ जी, ऑलमोस्ट 350 रुपये की इसकी प्राइस है। एंड इसका शेल्फ लाइफ गाइस 2 ईयर्स और 5 मंथ है, यानी कि 2 ईयर्स 5 मंथ इसकी शेल्फ लाइफ है। एंड मैं आपको बता देती हूँ इसकी इट्स टाइम टू गिव योर स्किन अ हेल्दी ब्यूटी एंड ब्रेकफास्ट ट्रीट योर स्किन विद दिस पावरफुल मल्टी टास्किंग एंड करेक्ट हाइड्रेट्स रिपेयर एंड प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज लीविंग इट फीलिंग हेल्दी एंड फ्रेश। नायका स्किन जीनियस बीबी क्रीम गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ स्किन केयर इन मेकअप एंड रिच्ड विद एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोवेरा ग्रीन टी इसमें है, कुकुम्बर एंड जोजोबा। दिस क्रीम गिव्स अ बूस्ट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट टू योर स्किन मेकिंग इट नेचुरली हेल्दी एंड रेडियंट। पैकिंग विद SPF 30 बूस्ट ल्यूमिनोसिट एंड फाइट्स एजिंग, करेक्ट अनइवन स्किन टोन, हाइड्रेट्स एंड रिपेयर ब्ला ब्ला ब्ला। एंड हाउ टू यूज, क्लीन द फेस एंड अप्लाई डायरेक्टली टू इवन आउट स्किन टोन, गुड इनफ। बट मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उससे पहले ठीक है, इसमें एलोवेरा है, जोजोबा है, ग्रीन टी है, कुकुम्बर है। इट्स अ टोटली नेचुरल प्रोडक्ट। और जिन्हें केमिकल वाले प्रोडक्ट से स्किन का प्रॉब्लम है, दे कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ आउटर पैकेजिंग एंड इस पे 24 क्रुएल्टी फ्री है, SLS फ्री है, पैराबिन फ्री है और ब्ला 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 बहुत सारा कुछ लिखा है। स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस एट अ टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री स्किन। चलिए अब हम इसकी सॉरी गाइस, मैं आपको शेड बताना भूल गई हूँ। उसका शेड है 03 रिच हनी। मेरा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्किन है, मुझ पर बैज स्किन भी, इसके बैज भी चल जाता है एंड हनी शेड भी चल जाता है। सो आई परचेज दिस हनी शेड। बट दिस इज़ वेरी मॉइस्चर्ड क्रीम एंड दिस इज़ द पैकेजिंग। यू कैन सी दिस इज़ द पैकेजिंग। एंड गाइज, मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी लेंथ ये है। दिस इज़ वेरी स्मॉल। मुझे लगा था ये बड़ा पैकेजिंग आएगी, बट ये इतनी सी पैकेजिंग आई है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज इसकी प्राइस काफ़ी सारी है। बट हाँ, दिस इज़ नेचुरल प्रोडक्ट, तो हम देखते हैं कि इसका टेक्स्चर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसका टेक्स्चर है, पहले ही बाहर निकल गई, इट्स ओके। दिस इज़ द टेक्स्चर, यू कैन सी। मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ मेरे हैंड में। यू कैन सी ये काफ़ी येलोइश हो गया है। मुझे येलो, मेरा येलो स्किन टाइप ही है, बट देखिए यू कैन सी बहुत ही इजीली ब्लेंड हो गया है मेरे हैंड में। यू कैन सी द डिफरेंस।
काफ़ी इजीली, काफ़ी क्रीमी फॉर्मूला है, हाइड्रेट है, काफ़ी इजीली ब्लेंडेबल है, बट कहीं ना कहीं ये मेरी स्किन में अच्छे से ब्लेंड तो कर गया है। बट ये थोड़ा सा इसका मैं पर्सनल ओपिनियन आपको देना चाहूँगी। अभी मैंने स्किन पर इससे काफ़ी देर से अप्लाई किया है, ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स हो चुके हैं, एंड इट्स काफ़ी ऑयल छोड़ दिया है इसने, एंड यू कैन सी और मेरी स्किन को जो मेरा एक्चुअल कलर है उससे भी डार्क कर दिया है। आई मीन ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 दिनों से कहीं बाहर घूमने गई हूँ और टैनिंग हो चुकी है स्किन पे। इस तरह का फॉर्मूला मेरे फेस पर इसका सेट हुआ है। एंड सीसी क्रीम एंड फाउंडेशंस और इस सब का काम होता है स्किन को ब्राइटन्स अप करना, ऑयल को कंट्रोल करना, लाइक पसीना ना आने देना। बट हाँ, ये मॉइस्चर के हिसाब से इट्स अ गुड क्रीम, स्किन को ज़्यादा डैमेज नहीं करती है। मैंने इसे कल पूरा दिन बहुत लाइट क्वांटिटी में, मैं ऑफिस मेकअप करके बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, बट मैंने इसे कल थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए इसे ट्राई करके मैं ऑफिस गई हूँ, एंड पूरा दिन ये एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स ही मेरी स्किन पे रहा है। और ये मेरी स्किन को चूँकि इसने थोड़ा सा डार्क बनाया है तो पता भी नहीं चला इवनिंग तक कि मेरे चेहरे पर है भी या नहीं। हाँ, बट कुछ कुछ क्वान्टिटी में लाइक रहा, जब मैंने अपना मेकअप रिमूव किया था तो जो वाइप्स पर इसकी क्वांटिटी आई थी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको हाथ लगाने के बाद हल्का सा चिपचिपी और मतलब स्टिकी टाइप से फील होता है, और हैंड वॉश करने पड़ते हैं इसको यूज़ करने के बाद, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जैसे शक्कर की चाशनी को थोड़ा सा हाथ लगाया है। एंड माई थर्ड क्या बोलते हैं उसको, मेरा थर्ड जो माइनस पॉइंट है इसको लेकर, आप इसे अप्लाई करते हैं कुछ देर बाद, पहले तो बहुत क्रीमी क्रीमी रहता है, देन आफ्टर सम टाइम इट लुक्स लाइक मैट फिनिश एंड ब्लेंड से तो फिर भी थोड़ा बहुत ब्लेंड होके सेट हो जाता है, बट ब्रश से तो इट्स लुक्स वेरी केकी एंड बहुत ही ड्राई पैची लगता है। अब पास से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट्स लुक्स वेरी ड्राई एंड पैची, और अच्छा कवरेज भी नहीं है, मेरे सारे स्पॉट्स यहाँ दिख रहे हैं और काफ़ी पसीना भी नहीं हो रहा है, तो और मैट फिनिश तो दिखने में मैट फिनिश है बट एक्चुअल में मेरे मुझे यहाँ पर काफ़ी मॉइस्चर और ऑयली ऑयली सा फील हो रहा है। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसे लगाने के बाद आपका हाथ गलती से यहाँ चला जाए आफ्टर सम टाइम, या आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला है वो फ़ोन पर आपके सेलफोन की स्क्रीन पर भी लग जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट वर्थ एक्चुअली। आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस प्रोडक्ट, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इससे पहले मैंने नायका का फाउंडेशन भी ट्राई किया है और मैं बहुत जल्द उसका भी रिव्यू आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, और उससे पहले अगर आप इसे परचेज करने वाली हैं तो इसे प्लीज़ मत करिए, इससे भी बेटर ऑप्शंस आपको अदर ब्रांड में मिल जाएंगे, लाइक लैकमे, पोन्स, फेसेस एंड अनदर प्रोडक्ट्स। बट हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपको नहीं सूट करता है फिर भी आपको परचेज करना है तो यू कैन गो विथ दिस प्रोडक्ट। बट हाँ, ड्राई स्किन वालों पे ये बहुत पैची लगेगा, और मेरी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चर की वजह से आई डोंट नो ड्राई स्किन पे ये कैसा रहेगा, बट हाँ मेरी स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं किया है। मेरी ऑयली स्किन होते हुए उसका पूरा मेकअप ड्राई ड्राई टाइप से दिखा रहा है, केकी लग रहा है थोड़ा सा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे फेस को एकदम डार्क कर दिया, लाइक मेरी ओरिजिनल स्किन का कलर हाइड कर दिया है। मतलब चलो ठीक है, दिस इज़ माय रिव्यू, एंड अब मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, चलो बाय।